हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, आज हम करेंगे चैप्टर 3 का रिवीजन जिसमें हमने खाद्य पदार्थ के बारे में पढ़ा था। चलिए उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नीचे दिए गए वाक्य सही हैं या गलत बताइए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर को ऊर्जा सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है। सो स्टूडेंट्स इट इज़ फॉल्स, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। सेकेंड, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन संतुलित आहार कहलाता है। यस इट इज़ ट्रू। थर्ड, खून का रंग लाल आयोडीन के कारण होता है। इट इज़ फॉल्स, क्योंकि खून का रंग हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है। फोर्थ इज, विटामिन सी की कमी से मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। यस इट इज़ ट्रू। टर्न ऑन पेज नंबर 28, यहाँ आपको ऊपर MCQ दिए हुए हैं, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो फर्स्ट है, पोषक तत्वों से भरपूर भोज्य पदार्थ क्या कहलाता है। फर्स्ट इज संतुलित भोजन, सामान्य भोजन या तेलीय भोजन। सो इट इज़ संतुलित भोजन। सेकंड है, कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है, घी से, दालों से या चीनी से। तो कार्बोहाइड्रेट हमें चीनी से प्राप्त होता है। थर्ड इज, किस तत्व की कमी से आँखें कमज़ोर होती हैं। फर्स्ट इज प्रोटीन, बसा एंड विटामिन ए। सो विटामिन ए की कमी से हमें हमारी आंखें कमज़ोर होती हैं। फोर्थ इज़, हमें दिन भर में लगभग कितने ग्लास पानी पीना चाहिए। सो स्टूडेंट्स हमें एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। ओके उसके बाद है, कौन सा पोषक तत्व तो किस भोज्य पदार्थ से बनता है, लिखिए। फर्स्ट है बसा, बसा हमें मक्खन से मिलता है। सेकंड, कैल्शियम, कैल्शियम हमें दूध से प्राप्त होता है। थर्ड इज़ खनिज लवण, ये हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, विटामिन सी ये किस में होता है, संतरा में। विटामिन ए गाजर में। विटामिन डी दूध। स्टूडेंट्स टर्न ऑन पेज नंबर 29, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को छांटकर लिखिए। तो पहले हम देखते हैं क्रिया क्या होता है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। देखिए फर्स्ट इज मछलियाँ तैर रही हैं, तो इसमें कार्य क्या हो रहा है, तैर रही हैं, तो क्रिया हुई तैर। सेकेंड इज़ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ क्रिया हुई खेल। थर्ड, महिलाएं बातें कर रही हैं, तो इसमें क्रिया है बातें। थर्ड फिर से देखते हैं हम, महिलाएं बातें कर रही हैं, तो बच्चों इसमें क्रिया है कर। फोर्थ इज़ नवीन नहा रहा है, इसमें क्रिया है नहा। एंड लास्ट इज़ मोहन दूध पी रहा है, तो क्रिया यहाँ हुई पी। सेकेंड क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। फर्स्ट इज शरीर, शरीर के पर्यायवाची हैं देह और काया। सेकंड इज सदैव, सदैव के हैं हमेशा और सदा। उसके बाद पानी, पानी के जल और नीर। आँख, आँख के हैं चक्षु और नयन। थर्ड क्वेश्चन इज उदाहरण के अनुसार ताप प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। फर्स्ट इज अस्वस्थ है, इसमें ताप प्रत्यय लगाकर इसका बन गया अस्वस्थता। सेकेंड इज निडर, तो निडरता। थर्ड निर्धन, निर्धनता। एंड मूर्ख, मूर्खता। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स, दुर्बल, दुर्बलता। कुटिल, कुटिलता। शिष्ट, शिष्टता। एंड तीव्र, तीव्रता।